आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास मंदिर की जानकारी, जिस मंदिर के शिवलिंग में छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। छत्तीसगढ़ के खरौद में लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, जिसे प्रदेश का काशी कहा जाता है। इस मंदिर में लाख छिद्रों वाले शिवलिंग की स्थापना की गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 लाख से अधिक छिद्र शिवलिंग में मौजूद है। ये मंदिर अपने आप में बेहद अद्भुत है। ऐसा माना जाता है कि रावण के संहार के पश्चात लक्ष्मण ने अपने भाई राम से इस मंदिर की स्थापना करवाई थी। कहते हैं कि भगवान राम ने यहाँ पर खर और दूषण का वध किया था, इसीलिए इस जगह का नाम खरौद पड़ा। शिवरी नारायण से 3 किलोमीटर और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 120 किलोमीटर दूर खरौद नगर में ये खास शिव मंदिर आज भी लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर के गर्भ में मौजूद शिवलिंग के बारे में ऐसी मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं लक्ष्मण जी ने की थी। इस शिवलिंग में 1 लाख छिद्र हैं, इसीलिए इसे लक्षलिंग भी कहा जाता है। इस लाख छिद्रों में से एक छिद्र ऐसा है जो कि पाताल आगामी है, यानी कि सीधा पाताल में जाता है, क्योंकि उसमें कितना भी जल डालो ये सब उसमें समा जाता है। जबकि एक छिद्र अक्षय कुंड है, उसमें जल हमेशा भरा ही रहता है। लक्षलिंग पर चढ़ाया जल मंदिर के पीछे स्थित कुंड में चला जाता है, क्योंकि ये कुंड कभी नहीं सूखता। लक्षलिंग जमीन से करीब 30 फीट ऊपर है और इसे स्वयंभू लिंग भी माना जाता है। सावन के सोमवार और शिवरात्रि पर यहाँ मेला लगता है और विशेष अवसरों पर यहाँ काफी भीड़ होती है। मान्यता के अनुसार श्री राम ने रावण की हत्या से उत्पन्न ब्रह्म हत्या के दोष का निवारण करने के लिए भगवान शिव की आराधना की। शिव को जल अर्पित करने के लिए लक्ष्मण पवित्र स्थानों से जल लेने गए। एक बार जब वह आ रहे थे तो उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। साथ ही कहा जाता है कि शिव ने उन्हें स्वप्न में आके दर्शन दिए और लक्षलिंग के रूप में पूजा करने के लिए कहा। भगवान के पूजन से लक्ष्मण स्वस्थ हो गए, इसीलिए इस लिंग को लक्ष्मणेश्वर कहा जाता है। इस मंदिर के चारों ओर पत्थर की मजबूत दीवार मौजूद है और इस दीवार के अंदर 110 फीट लंबा और 45 फुट चौड़ा चबूतरा है, जिसके ऊपर 45 फुट ऊंचा और 30 फुट गोलाई के लिए एक मंदिर स्थित किया गया है। चबूतरे के ऊपरी भाग को परिक्रमा कहते हैं। सभा मंडप के सामने के भाग में सत्यनारायण मंडप, नंदी मंडप और भोगशाला है। प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियां स्थित है। मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही सभा मंडप मिलती है। मंदिर में लगे शिवालयक में 8वीं शताब्दी के इंद्रबल तथा ईशान देव नामक शासकों का उल्लेख हुआ था। मंदिर के वाम भाग का शिलालेख संस्कृत भाषा में है और इसमें 44 श्लोक हैं। चंद्रवंशी हैयवंश के रत्नपुर के राजाओं का जन्म यहीं हुआ था। इनके द्वारा उनके मंदिर, मठ, तालाब इत्यादि निर्मित कराने का उल्लेख भी इस शिलालेख में मौजूद है। इसके बाद रत्नदेव तृतीय की राहला और पद्म नामक दो रानियां थी। राहला से संप्रद और जिजाक नामक पुत्र हुए और पद्मा से सिंहतुल्य पराक्रमी पुत्र खड़ग देव हुए, जो कि रत्नपुर के राजा भी हुए, जिसने लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इससे पता चलता है कि मंदिर 8वीं शताब्दी तक जीर्ण हो चुका था, जिसके उतार की आवश्यकता उन्हें थी। इस आधार पर कुछ विद्वान इसको 6वीं शताब्दी का भी मानते हैं। आपके क्या विचार हैं इस मंदिर को लेकर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमने पहले भी कहा था कि मंदिर दर्शन को आप जाकर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो अवश्य करें, क्योंकि वहां पर भी ऐसे मंदिरों से जुड़ी जानकारी मिलती रहती है। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मंदिर दर्शन।